इम्पॉर्टेंट बैटल्स को याद रखने का ट्रिक देखेंगे सबसे पहले पानीपत की तीन हैं। पानीपत जो हुआ था जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी थे और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी इसको भी जीता था मुगलों ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सेवनटीन सिक्सटी वन में हुआ था जिसको मराठा अंपायर और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था और इसको जीता था अफगान्स ने क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें और डेट भी याद रखना है किसके बीच लड़ा गया था उसको भी याद रखना है तो ट्रिक कुछ ऐसा है कि या तो आप केवल ये याद रखें कि किसके किसके बीच में लड़ा गया था तो एक सिंपल सा लेटर है उसके लिए बी हा माँ बी से बाबर आई से इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता था बाबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच में जीता था अकबर ने और थर्ड बैटल मराठा और अब्दाली के बीच में जीता था अब्दाली ने तो इससे याद रखेंगे कि किन किन के बीच में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत अब डेट याद रखने के लिए एक ट्रिक है अगर इस सेंटेंस को आप याद रखेंगे तो पंद्रह दिन में सत्ताईस बैल छप्पन हेक्टेयर 205 बार मार्च कर डालते हैं 15 दिन में यानी कि 1527 तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया 1527 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैल से याद रखेंगे बी ये बाबर आईएल इब्राहिम लोदी 56 यानी कि 1556 और हेक्टेयर में एचई और ए के हेमू और अकबर के बीच में 205 बार अब तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो टू हंड्रेड फाइव ईयर्स के बाद यानी कि सेवनटीन सिक्सटी वन में हुआ था मार्च से मराठा और डाल से अब्दाली मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ था तो इस सेंटेंस से आप डेट भी याद रख सकते हैं एक दूसरा ट्रिक है बाबर के द्वारा जीते गए युद्ध को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने का पहला पानीपत का युद्ध जीता था उन्होंने 1526 में फिर खानवा बैटल 1527 में बैटल ऑफ चंदेरी 1528 फिर बैटल ऑफ घाघरा 15, ट्रिक है पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन के पानीपत खानवा चंदेरी और घाघरा तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने का ट्रिक ऐसे ही सिंपल और आसान ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग